नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल एजुकेशन एंड इंग्लिश लर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। आज हम कुछ बेसिक चीजों की बात करेंगे जो कि ट्रांसलेशन करने से पहले आपको आना बहुत जरूरी है। मुझे लगा कुछ बच्चों को इसकी जरूरत है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए आपका सेंटेंस है राम पत्र लिखता है। एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आपको तीन चीजों के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें कि नंबर वन है आपका सब्जेक्ट, नंबर टू है वर्ब और नंबर थ्री है ऑब्जेक्ट। तो समझते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है। यहां पर लिखा है काम करने वाला और वाक्य का पहला शब्द। देखिए, हिंदी के सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है और उसको करने वाला कौन है। तो हमारा सेंटेंस है राम पत्र लिखता है, इस सेंटेंस में लिखने का काम हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर हम इस सेंटेंस से पूछें कि लिखने का काम कौन कर रहा है तो हमारा जवाब आएगा राम, इसलिए हमारा सब्जेक्ट यहां पर राम है। दूसरा पॉइंट, वाक्य का पहला शब्द। फ्रेंड्स, मोस्टली 100 में से 90% यानी कि 100 में से 90% अगर आपके सामने 100 सेंटेंस रखे जाएंगे तो मोस्टली आप पाएंगे कि जो उनका पहला शब्द होता है वो ही ज्यादातर सब्जेक्ट होता है। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता, तो वी कैन से कि 10% ऐसा नहीं होता, लेकिन 10% को छोड़कर 90% ऐसा होता है कि जो वाक्य का पहला शब्द है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आप इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं कि जो राम है वो हमारा वाक्य का पहला शब्द है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, सीता स्वेटर बुनती है। इस सेंटेंस में बुनाई का काम हो रहा है, बुनने का काम हो रहा है, और इस काम को करने वाला कौन है? सीता। तो ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? सीता। और देखिए, वाक्य का पहला शब्द यानी कि पहला शब्द भी यहां पर कौन है? सीता, इसलिए सीता हमारा सब्जेक्ट है। तो किसी भी सेंटेंस में से अगर आप काम करने वाले को ढूंढ लेंगे तो इजीली आप सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और वाक्य का पहला शब्द सब्जेक्ट होता है। चलिए वर्ब की बात करते हैं। वर्ब क्या होती है? देखिए, वर्ब क्या होती है? वर्ब हम काम को ही वर्ब कहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं, खाना पीना, पढ़ना लिखना, खेलना, भागना, दौड़ना, यानी कि हिंदी के ऐसे शब्द जिसके लास्ट में आपको ना दिखाई दे, खाना पीना पढ़ना खेलना ना ना ना, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें लास्ट में ना आता है वो हमारी वर्ब्स होती है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको पहचानना, आप आराम से पहचान लेंगे। अब हमारा सेंटेंस था राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पे काम क्या हुआ? लिखना, यानी कि लिखने का काम हो रहा है। तो हमने पहचान लिया कि ये हमारी वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में सीता स्वेटर बुनती है, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? बुनना। तो बुनना से समझ में आया हमें कि बुनती है शब्द जो है ये हमारी वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब ऐसे निकालते हैं हम। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, मैंने बोला है कि जिस शब्द के अंत में ना आता है हिंदी में वो वर्ब होती है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हो सकते हैं जो ना नहीं होते, जैसे कि किसी का नाम रीना, मीना आदि, आप उसे वर्ब नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो तो नाम है। तो सेंटेंस में से वर्ब निकालने के लिए सेंटेंस में जो शब्द है खाना पीना पढ़ना लिखना, उस पर आपको ध्यान देना है। उसमें कोई काम का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आपकी वर्ब नहीं है। तीसरी चीज बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट और भी आसान है। अगर आपने सेंटेंस में से सब्जेक्ट और वर्ब को समझ लिया है तो आप उन दोनों को हटा दीजिए, जो भी बचा हुआ हिस्सा होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि राम पत्र लिखता है, इस सेंटेंस में से यदि हम राम और लिखना शब्द को हटाते हैं तो हमारे पास पत्र बचता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से सीता स्वेटर बुनती है, अगर इसमें से हम बुनना वर्ब को हटाएं और सब्जेक्ट सीता को हटाएं तो हमारे पास स्वेटर बचता है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पर्सन। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। अब पर्सन होता क्या है? पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु। फ्रेंड, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम पर्सन पे ही बनाते हैं। मान लो मैं सेंटेंस बनाता हूँ कि ये मार्कर बहुत अच्छा है, तो ये मार्कर कोई वस्तु है, ये पर्सन है, मैं भी कोई पर्सन हूँ। तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आपको लेना है आई और वी। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट पर्सन क्या होता है जी, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है जी, ओनली यू। तो थर्ड पर्सन क्या हुआ, आई वी और यू को छोड़कर, यहां पर लिखा हुआ है आई वी यू को छोड़कर दुनिया की सब चीजें, सब कुछ जो भी बचा जिसका कोई नाम है वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। फॉर एग्जाम्पल ही शी इट, कोई नाम आदि, ये सारे थर्ड पर्सन में काउंट होंगे। तो आपके लिए बहुत इजी है, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने डाल दिया आई और वी को, सेकंड कैटेगरी में डाल दिया हमने यू को, और इसके अलावा कोई भी चीज आपके सामने आ जाएगी वो सभी हमारी थर्ड पर्सन कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस बिना पर्सन के बनता ही नहीं है। आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे किसी ना किसी पर्सन की तो बात करेंगे, तो पर्सन को समझना बहुत जरूरी था। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब हम बेसिक इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें चार तरह के सेंटेंसेस आते हैं हमारे पास, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। ये सिंपल सेंटेंस जो मैंने लिखा है इसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं और कहते हैं। इसका एक और नाम है असर्टिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाता है। तो राम पत्र नहीं लिखता है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसकी शुरुआत में आपको क्या शब्द दिखाई दे। क्या राम पत्र नहीं लिखता है, ये नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव है। और क्या राम पत्र नहीं लिखता है, ये भी नेगेटिव। यहां पर गलती से नहीं लिख गया है, इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा क्या राम पत्र लिखता है, तभी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और नीचे है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, जिसमें क्या और नहीं, इन दोनों को जोड़कर यह सेंटेंस बनाया जाता है। तो सेंटेंस बन गया क्या राम पत्र नहीं लिखता है, जिसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया वो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव माना जाएगा। जिसमें सिर्फ क्या आ रहा है वाक्य के शुरू में, क्या राम पत्र लिखता है, तो वह वाक्य इंटरोगेटिव माना जाएगा। और जिसमें सिर्फ नहीं आया हुआ है कि राम पत्र नहीं लिखता है, वो नेगेटिव माना जाएगा। और सिंपल सेंटेंस हमारा राम पत्र लिखता है। इस तरह से चारों सेंटेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि यही चार सेंटेंस हमें बार बार आपके टेंसेस में काम आएंगे। तो उन बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।